ये देखिए यहाँ पे मैं सोक करने के लिए ली हूँ। ये जो वाइट वाइट है ये चिक पीस है, और ये जो काला चना होता है वो भी मैं थोड़ा सा ली हूँ। फिर इसको मैं सोक कर दूँगी छोले के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैं छोले सोक होने के लिए रखी थी वो अभी अच्छे से सोक हो चुका है पानी में, और अभी मैं इसको बॉईल करूँगी। ध्यान रहे कि सुबह जब मैं इसको सोक करने के लिए डाल रही थी तभी मैं इसको अच्छे से वॉश कर ली थी, तो अभी जब मैं इसको बॉईल करूँगी तो ये पानी भी साथ में जाएगा प्रेशर कुकर में, और अगर एक्स्ट्रा पानी नीडेड है तो मैं ऊपर से डालूँगी, पर ये जो सोक किया हुआ पानी है ये भी साथ में जाएगा, तभी टेस्ट अच्छा आता है। तो चलिए अभी मैं इसको बॉईल करने के लिए डालती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो सोक किए हुए चिक पीस थे वो मैं प्रेशर कुकर में डाल चुकी हूँ, और इसके साथ और कुछ भी मैं नहीं डालती हूँ। बस ये जो तेज़पत्ता है, इंग्लिश में इसको बे लीफ बोलते हैं, ये मैं बस डाल दूँगी इसमें, और फिर इसको मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी। तो देखिए, छोला के लिए मैं ली हूँ ये मीडियम साइज़ के 4 प्याज, और ये 3 टमाटर, लहसुन, और ये अदरक, और ये हरी मिर्च। इसमें से मैं ये जो टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, और हरी मिर्च में से कुछ मिर्च पीस दूंगी और कुछ ऑनियन के साथ चॉप करके फ्राई करूंगी, जो आप आगे देखेंगे। ये देखिए, ग्राइंड करने के लिए मैं लहसुन ली हूँ, और मिर्च जो मैं ली थी उसमें से आधी मैं इसमें डाली हूँ और आधी चॉप करने के लिए रखी हूँ, और इसमें है गार्लिक, और अभी ये टोमेटो कट करके इसमें साथ में डाल के ग्राइंड करूँगी। तो यहाँ पे मैं ऑनियन चॉप कर लेती हूँ, एकदम पतली पतली काटना है, छोटे छोटे से, जितना पतला आप काट सकते हो, सो दैट वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए, नहीं तो अलग से फिर ऑनियन दिखेगा। इफ़ यू वांट यू कैन मेक पेस्ट ऑफ ऑनियन आल्सो, पर मैं जब बनाती हूँ पेस्ट बना के ऑनियन की, तो वो थोड़ा सा कच्चापन सा रह जाता है, उसको कितना भी भूनती हूँ फिर भी, इस वजह से मैं इसको काट के ही डालना प्रेफर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं ऑनियन चॉप कर रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे मेरी ऑनियन और ग्रीन चिली चॉप हो चुकी है, एंड हियर इज़ द पेस्ट ऑफ टोमेटो, गार्लिक एंड जिंजर एंड सम ग्रीन चिलीज ऑल्सो। So these things are ready. Now let's move on to the next process. तो देखिए अभी मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसके बाद हम लोग ऑयल डालेंगे। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हो वो डाल सकते हो खाने में। तो हम लोग ये मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो मैं मस्टर्ड ऑयल डालूँगी। आज थोड़ा ज़्यादा छोला बनाना है तो ऑयल भी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। ऑनियन अच्छे से फ्राई हो सके उतनी ऑयल डालनी है। जब ऑयल गर्म हो जाएगी तो इसमें जाएंगे जीरा और अजवाइन। अजवाइन थोड़ी सी, बिकॉज़ वो अजवाइन पेट के लिए सही होता है, इसलिए हम लोग खाने में अजवाइन भी डालते हैं। तो देखिए अभी ऑयल गर्म हो चुकी है, तो मैं ये जीरा और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी ली हूँ, ये मैं डाल देती हूँ।
इसमें जाएगा ये ऑनियन और ग्रीन चिली। मैं बे लीफ इसमें नहीं डाल रही हूँ बिकॉज वो छोले बॉईल करने के टाइम मैं डाल चुकी थी इसलिए। तो गाइस ये ऑनियन जो है इसको मीडियम लो फ्लेम कर करके इसको अच्छे से फ्राई करना है एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए हमारी ऑनियन ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। नाउ वी विल ऐड दिस टोमेटो प्यूरी। तो देखिए यहाँ पे मैं टोमेटो की प्यूरी डाल रही हूँ, अभी इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। मेरी जो रेसिपी है छोले की वो काफ़ी सिंपल है, तो मैं यहाँ पे फ्लेम हाई कर देती हूँ और इसको अच्छे से फ्राई होने देती हूँ। थोड़े से फ्राई होने के बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। अभी मैं ऐड करूँगी इसमें मसाले। तो फर्स्ट ये हल्दी पाउडर, फिर ये जीरा का पाउडर है, और फिर ये ब्लैक पेपर पाउडर मतलब गोलकी, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डालें। और फिर ये जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च। हम लोग लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं इस वजह से ये अलग ही डब्बे में रखा हुआ है, मसाले वाले डब्बे जो कॉमन है उसमें नहीं रखा हुआ है, पर कलर के लिए मैं इसको ऐड करूँगी थोड़ी सी। इसको फ्राई करें अच्छे से जब तक मसाले ऑयल छोड़ ना दें, तब तक इसको अच्छे से फ्राई करें। थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, ये ऑयल भी छोड़ने लगा है। तो इसमें मैं ऐड कर दी हूँ बॉईल किया हुआ चिक पीस और ब्लैक चना, अभी इसको अच्छे से मिक्स करना है। अभी मैं इसमें नमक नहीं ऐड की हूँ, वो लास्ट में मैं ऐड करूँगी किस तरह से ग्रेवी रहेगा उस हिसाब से। सो नाउ इट्स टाइम टू ऐड सॉल्ट। तो आप स्वाद अनुसार नमक इसमें डाल दीजिए। अब इसमें जाएगा गरम मसाला, वो भी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए। अगर आप वो खड़ी जो गरम मसाला आती है उसको ग्राइंड करके डालेंगे तो और भी अच्छी टेस्ट आएगी और खुशबू भी अच्छी आएगी।
ओपन इस प्रेस इसलिए, पर मेरे पास अभी गरम मसाला का पाउडर अवेलेबल है तो मैं उसी को डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और पकने देंगे इसको ढक के थोड़ा सा। अब इसमें आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालिए। बेटा नहीं, अब इसको ढक के बॉईल आने तक पकाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बॉईल आ रही है अभी छोले में। इसको अच्छे से ऐसे ऐसे करके मैश करना है, सो दैट मैश इसलिए करना है ताकि ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी दिखे, कंसिस्टेंसी इसकी अच्छी हो, पतली पानी पानी टाइप ना दिखे। अभी छोला रेडी है, लास्ट में जाएगा ये फाइनली चॉप ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। सो इट इज़ रेडी टू सर्व विथ पूड़ी और भटूरे एनीथिंग। सो गाइज छोला रेडी है और मैं इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स यूज़ की हूँ यू विल गेट दैट इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छा लगे खाने में, मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू।